किसी के हाथ में मोबाइल फोन सौंपते ही अगर मोबाइल का डेटा पूरी तरह से उड़ जाए तो चौंक जाएंगे आप। और ये जायज है चौंकना भी, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र के साथ हो रहा है। उसके हाथ में मोबाइल फोन आता है, उसका सारा डेटा उड़ जा रहा है। अस्तित्व नाम का ये लड़का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गांव जटारी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब इस छात्र की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। अस्तित्व के पिता गौरव अग्रवाल ने बताया कि मई महीने में उनके घर में अचानक ही मोबाइल फोन का डेटा अपने आप उड़ने लगा। इस तरह की घटना होने के बाद वे अपने फोन को लेकर के सर्विस सेंटर पर भी गए। उन्होंने अपना फोन से डेटा उड़ने के कारणों का पता लगाने की बात कही, लेकिन सर्विस सेंटर इसका कोई कारण नहीं बता सके। आखिर ये कैसा जादू है, इस पर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये एक अनोखा मामला सामने आया है, अस्तित्व नाम का ये बच्चा 9वीं का छात्र बताया जा रहा है, क्लास 9th में पढ़ता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बच्चे के अंदर एक अद्भुत शक्ति देखी जा रही है। या तो आप इसे अद्भुत शक्ति कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, या फिर किसी तरीके का रेडिएशन कह लीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चा जैसे ही अपने पास कोई भी फोन पकड़ता है तो उस फोन का जितना डेटा होता है वो सारा डेटा अचानक ही छूमंतर हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आपका फोन खाली हो जाता है, इरेज हो जाता है। और इसी वजह से अब इस वाकया के पीछे आखिर किस तरीके से घटना घट रही है, इस बारे में पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं इनके परिवार वाले। अस्तित्व के माता पिता ने कई डॉक्टरों से मुलाकात भी की, सर्विस सेंटर्स में जाकर के मोबाइल फोन के बारे में भी पता करने की कोशिश की, लेकिन सर्विस सेंटर वालों के पास में भी कोई जानकारी इस बात को लेकर के नहीं है। और वहीं डॉक्टर्स के समझ में भी ये बात नहीं आ रही है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की घटना बताई जा रही है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार इस चीज को नोटिस कर रहे थे इस बच्चे के परिवार वाले, और लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि उनके फोन से अचानक से पूरा डेटा इरेज हो जाता है, जिसके बाद से वो जब सर्विस सेंटर अपने फोन को लेकर के जाते हैं कि कोई तकनीकी खामियां फोन में आ चुकी है, जब फोन को चेक करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनका फोन बिल्कुल सही मिलता है, लेकिन जब सर्विस सेंटर से पूछा जाता है तो उनके तरफ से भी कोई जवाब सामने नहीं आता, क्योंकि वो खुद अचंभित है कि आखिर यह हो कैसे रहा है। जब भी ये बच्चा कोई भी फोन अपने पास लेकर के बैठता है उस फोन का सारा डेटा अपने आप इरेज हो जाता है, और इसी वजह से पूरे जिले भर में अब इस बच्चे को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है, जो कि डॉक्टर वसुधा अग्रवाल MBBS है और साथ ही MS भी है, वहीं अस्तित्व अग्रवाल है, गौरव अग्रवाल है अस्तित्व के पिता, और राहुल मिश्रा जो कि साइबर एक्सपर्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं तीनों का स्वागत करूंगी इंटरन्यूज़ पर, आप तीनों का बहुत स्वागत है, गौरव जी, राहुल जी और वसुधा जी। धन्यवाद। अस्तित्व के पिता से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, गौरव जी आप जरा हमें बताइए कि आखिर आपके बच्चे के साथ में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही है। वो मई महीने से शुरू हुई थी और सबसे पहले ये मेरी जो पत्नी है उनके मोबाइल में से कुछ एप्स अपने आप चले गए थे और कुछ दिन के बाद उनका फोन पूरी तरीके से फैक्ट्री रिसेट हो गया था। तो फैक्ट्री रिसेट जब हो गया था तो उसमें कुछ भी डाटा नहीं मिला था हमको। उसके बाद धीरे धीरे समय थोड़ा सा और लगा तो मेरे बेटे का, फिर मेरी बेटी का, और कुछ समय के बाद फिर मेरा भी फोन जिसमें मेरा बिजनेस भी चलता है वो भी फैक्ट्री रिसेट हो गया। फिर हमें ये चीजें चलती रही धीरे धीरे, फोन रिसेट होते रहे समय समय पर, लेकिन थोड़ी जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी रिसेट होने की वो कभी 2 दिन में हो जाते, कभी 3 दिन में हो जाते, तो ये हमें पता नहीं चल पा रहा था ये किस वजह से हो रहे हैं। हमने सोचा शायद फोन में कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है, तो हम मोबाइल कंपनियों के जो सर्विस सेंटर हैं अलग अलग मोबाइल कंपनियों के, MI गए, ओप्पो गए, सैमसंग गए, लेकिन उन्होंने तो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दी और कहा कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जब ये चीजें लगातार चलती रहीं तो फिर हमें ये महसूस हुआ कि शायद हमारे फोन हैक हो गए हैं या किसी ने हमारी लोकेशन और डिवाइसेस या हमारी गूगल आईडी हैक कर ली है, जिसकी वजह से कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। काफी लंबे समय तक हम यही सोचते रहे और फिर हमने आखिर में एक फैसला लिया कि चलो हम अपनी सारी मोबाइल नए खरीद लेते हैं, नई जो सिम कार्ड है वो भी नए ले लेते हैं और गूगल आईडी भी नहीं बनाते हैं, तब तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन 17 अगस्त को हम ये देखते हैं कि हमारी बुआ, हमारे को एक रिलेटिव हैं, वो हमारे घर पे आए और उनके पास मेरे बेटे अस्तित्व उनके साथ बैठे हुए थे, तो अचानक ही उनका फोन रिसेट हुआ। तो ये पहला फोन था हमारी फैमिली से अलग जो रिसेट हुआ जी। एकदम से आश्चर्यचकित घटना थी ये, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमारी फैमिली के 7-8 फोन थे वही रिसेट हो रहे थे। उसके बाद 17 अगस्त की शाम को मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अपने ननिहाल गए, मेरी पत्नी अपने मायके गई रक्षाबंधन के पर्व पर, तो वहां 18 तारीख और 19 तारीख अगस्त में वहां उनके 2-3 जो फैमिली मेंबर हैं, मेरे बेटे की मामी है, उनकी नानी है, उनके फोन रिसेट वहां भी हुए। इस बीच जब मेरी पत्नी मायके गई थी तो मैंने उनको नया मोबाइल दिया था, नई सिम दी थी जी। और यहाँ मेरे पास अपना नया मोबाइल, नई फोन, मतलब पुरानी डिवाइसेस मेरे बच्चे के, मेरी बेटी की, सारे फोन मेरे पास यहाँ पर रखे हुए थे जटारी जहाँ मैं रहता हूँ। तो जब ये लोग अतरौली, इनका घर है, मेरी पत्नी का मायका है, तो वहां इनके ये चीजें होती रही और वहां लगातार फोन रिसेट होते रहे और फैक्ट्री रिसेट के दरमियान सारा डाटा चला जाता, तो मुझे वहां से फोन किया गया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जब मैं जटारी में था तो 5 दिन मैं यहाँ पर रहा अपने बिना बच्चों के, तो 5 दिन लगातार मेरे फोन सही चले, 4-5 फोन थे मेरे पास उस दरमियान, तो सब सही चले, कोई भी फोन रिसेट नहीं हुआ, ना दिन में ना रात में। उसके बाद 22 अगस्त को जब मेरे बच्चे वहां से आ गए हैं वापस जटारी में, तो वहां सब जब वो हम लोग आके रात को यहाँ पर सो गए हैं, और अगले दिन यानी कि 23 अगस्त को हम क्या देखते हैं कि हमारे सारे फोन, 8 के 8 डिवाइस, नई पुरानी कीपैड वगैरह सभी, ये सारी डिवाइस रिसेट हो चुकी थी। तब उस दिन हमें लगा कि कुछ ना कुछ पंगा कुछ और है, मतलब जो बात हम सोच रहे थे कि हैक हो रहे हैं फोन हमारे या कुछ और प्रॉब्लम है, तब हमें लगा कि प्रॉब्लम कुछ और है क्योंकि नई डिवाइसेस भी रिसेट हो रही है। उसके बाद फिर हमने 2 महीने पहले जो हमारे साथ घटनाएं घटी थी वो हमने थोड़ी दोहराई। लेकिन गौरव जी, क्या इस बीच में आपने किसी डॉक्टर को से कंसल्ट किया, क्या इसके पीछे की कोई वजह जानने की कोशिश की? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ 15 से 20 दिन पहले मेरे बेटे के सर में दर्द हुआ, लेकिन एग्जैक्टली हमें 23 अगस्त को हमें ये पता चला कि ये हमारे बेटे की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने फिर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, अपने बेटे को अलग मोबाइल दिए, पत्नी को अलग दिए, मैंने अपने अलग रखे, और उसके बाद मैंने और फोन जो है मेरे मार्केट में मेरे मिलने वालों के पास उनके फोन पे एक्सपेरिमेंट किया, सभी के फोन रिसेट हुए, जटारी में हुए, नोएडा में हुए, अलीगढ़ में हुए, मेरे बड़े भाई रहते हैं अलीगढ़ में, उनके घर पे सारे फोन रिसेट हुए, तो इस तरह की ये चीजें चलती रही। और सर्विस सेंटर जहां हमने अपने बेटे को बिठाया था 4 घंटे, वहां भी फोन रिसेट हुए। तो और MI का एक बैंड था जो बच्चे घड़ी टाइप का जो बैंड होता है वो भी रिसेट हुआ, 2 बार हुआ वो। तो ये भी चीजें हुई और उसके बाद फिर हमने ये हमें लग गया कि हमारे बेटे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि जहां हमारा बेटा जाता वही ये चीजें होती। फिर 15 से 20 दिन पहले हमारे बेटे के सर में दर्द अचानक ही उठा, वो 3 से 4 दिन कंटिन्यू रहा। तो इस संबंध में और इनको वोमिट भी, उल्टियां भी हुई घर में, तो इस संबंध में मैं न्यूरोलॉजिस्ट है JP अस्पताल नोएडा में, वहां मैं उनसे कंसल्ट करने गया अपने बेटे को लेके, तो प्रॉब्लम उनको बताई हमने कि भाई इनको ऐसे ऐसे सर में दर्द है और उल्टियां हैं। और फिर मैंने इसके साथ साथ इनको ये डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उनको ये बात भी बताई कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है पिछले कुछ समय से। ठीक। तो हालांकि ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे कहा कि हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज को और समझने की कोशिश करेंगे ये क्या हो रहा है। ठीक। गौरव जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा अगर आप संक्षिप्त में बता दें और थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है थोड़ा, और हमारे अभी राहुल जी के पास भी जा रहा है, वसुधा जी के पास भी जा रहा है। जी बिल्कुल।
तो डॉक्टर ने एडमिट करके उनको सारे टेस्ट किए और टेस्ट जितने भी टेस्ट किए उन्होंने वो सारे ठीक निकले और डॉक्टर ने हमसे कहा कि ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, इसके लिए आप किसी वैज्ञानिक के पास जाइए, वो इस चीज को देखेंगे। ठीक है, राहुल मिश्रा जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, आपसे जरा हम इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है कि कोई भी इंसान अगर अपने पास फोन लेकर के बैठता है, क्या उनके शरीर में इस तरीके के रेडिएशन पनप सकते हैं जिस वजह से मोबाइल का पूरा डेटा इरेज हो जाए? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो टेक्निकली किसी के फोन हाथ में लेने से फोन रिसेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे हिसाब से इसकी कुछ कंडीशंस हो सकती है जरूर, जैसे अभी मैं आपकी बात, गौरव जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था कि इन्होंने क्या क्या इंसिडेंट्स बताए, उनमें ये था कि आपने बताया कभी फोन हो सकता है 4 घंटे में रिसेट हो जाए, कभी हो सकता है 2 दिन में हो, इस तरह के इंसिडेंट्स आपने बताए। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप कोई भी फोन रिसेट करना चाहते हो उसकी कुछ कंडीशंस होती है जिनमें फोन रिसेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए बच्चे ने कोई फोन लिया, कोई गेमिंग एप्लीकेशन उसपे इंस्टॉल करी और जो गेमिंग एप्लीकेशन उसने इंस्टॉल करी है अगर उसमें फोन की अलग अलग परमिशंस होती हैं, जैसे हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कोई एप्लीकेशन हमारी गैलरी एक्सेस करती है, कुछ कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करती है, इसी तरह अगर एप्लीकेशन आपका IMEI एक्सेस कर रही है, इस तरह की चीजों को अगर एक्सेस मिल रहा है तो हम रिमोटली किसी भी फोन को फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। जो मुझे आपकी बात से समझ में आया वो ये था कि आपका फोन फैक्ट्री रिसेट मोड में चला जाता है। फैक्ट्री रिसेट बेसिकली क्या होता है, जो हमको फोन नॉर्मली मिलता है, नया नया हम फोन खरीद करके लाते हैं तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती है जिसको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं और उसका अल्टरेशन का जो राइट होता है वो कंपनी के पास होता है जिसको हम सुपर यूजर एडमिन का एक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी भी ब्रांड का फोन लेते हैं तो उस ब्रांड में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं, उनको सुपर यूजर एडमिन का एक्सेस होता है, मतलब आप उन एप्स को इंस्टॉल नहीं कर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, कैलेंडर हो गया, या अगर हम बात करें कुछ और भी प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन है वो आप चाहे भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं जब तक कि फोन को रूट ना कर दिया जाए। रूट करने का मतलब होता है सुपर यूजर एक्सेस लेना, तो ऐसी कोई संभावना मुझे इस तरह से तो समझ नहीं आती। दूसरी बात है, अगर फोन को रिसेट करना कोई चाहे तो ये बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, जैसे मेरा फोन इस समय बंद है और इस फोन ये इवन लॉक्ड है और अगर मुझे इस फोन को फैक्ट्री रिसेट करना है इट्स वेरी इजी। क्या करना होगा, कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं पावर ऑन पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करूं फोन को स्विच ऑफ करने के बाद तो ऑटोमेटिकली मेरे पास हार्ड रिसेट का ऑप्शन आता है जिससे मैं फोन को रिसेट कर सकता हूं। तो फोन को रिसेट करना इज नॉट अ बिग थिंग। हो सकता है कि मतलब अस्तित्व ने ऐसा किया हो सकता है इनके पास कुछ इनको हर फोन का टेक्निक पता हो और उससे हो सकता है ये फोन रिसेट कर देता हूं, बट मेरे हिसाब से फोन को हाथ में लेने से फोन रिसेट नहीं हो सकता है। और अगर फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जा सकती है जिसमें ये पता हो जाएगा कि फोन किस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डेटा डिलीट हुआ, कोई भी डेटा जो हम डिलीट करते हैं उसके लॉक्स क्रिएट होते हैं तो ये आसानी से मालूम किया जा सकता है। बहुत सारे फॉरेंसिक टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे पता चल जाएगा कि फोन को किस पर्टिकुलर टाइमिंग पे रिसेट किया गया, कब डेटा डिलीट हुआ उस पर्टिकुलर डिवाइस से, ये पता करना इज नॉट अ टफ जॉब, इट्स वेरी इजी। बस मेरा ऐसा सोचना है कि फोन को हाथ में लेने से फोन रिसेट नहीं हो सकता। ठीक है राहुल जी, आपकी बात हम समझ गए कि आप जिस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर वसुधा जी भी लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर वसुधा अग्रवाल MBBS है और MS भी है, तो ऐसे में डॉक्टर वसुधा आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ह्यूमन बॉडीज में कुछ इस तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं रेडिएशन की वजह से, कि हमारे बॉडी में इतने रेडिएशन बनना शुरू हो जाए कि वो किसी भी फोन को फॉर्मेट करने में सक्षम हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमारी बॉडी में अभी तक ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का कोई भी रेडिएशन बने या इतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बने कि मोबाइल जो है वो अपने आप रिसेट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे ज्यादातर टाइम जो है घर पे ही रहते हैं और पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हैं, तो हो सकता है इनके दिमाग में ऐसा कुछ सबकॉन्शियसली मे बी सबकॉन्शियस लेवल पे ही आया हो कि ये फोन हम इस तरह से रिसेट कर सकते हैं। हमारे
बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि हो सकता है ना कॉन्शियसली ये नहीं कर रहे हों, लेकिन इनके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता हो इन्हें कि मैं ऐसा करूंगा और इस तरह की ये रीसेट हो जाएगी। तो ये केवल सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियसली लेवल से संभव है, ऐसा कोई रेडिएशन कोई हार्म कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, चले ठीक, एक आखिरी सवाल हम एक बार खुद अस्तित्व से ही जानना चाहेंगे। अस्तित्व, क्या आपको टेक्निकली चीजों को जानना ज्यादा अच्छा लगता है? क्या आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं मोबाइल फोन्स में, कुछ ना कुछ टेक्निकली जो चीजें होती है सेटिंग्स होता है, क्या आप उससे छेड़छाड़ करते हैं या कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। आपने इस चीज को कैसे महसूस किया कि आप जब भी फोन पकड़ते हैं तो आपके फोन पकड़ने की वजह से ही ये पूरा डेटा इरेज हो जाता है? हमने बहुत टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स किए रहते हैं, मतलब जो फोन मेरे पास से अगर मेरे हैंड्स में पे वो भी सेट होता देते हैं और किसी के भी हो देते हैं। ठीक, गौरव जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना, साइबर एक्सपर्ट की बात भी आपने सुनी राहुल मिश्रा जी की, वहीं डॉक्टर वसुधा जी ने भी साफ कर दिया कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, हमारे ह्यूमंस में इस तरीके के रेडिएशंस नहीं बनते कि किसी फोन को या फिर किसी भी टेक्निकली चीजों को इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं सिर्फ हाथ में पकड़ने की वजह से या फिर फोन को जस्ट अपने पास रखने की वजह से। तो ऐसे में आप क्या अभी भी इन बातों पर विश्वास करते हैं कि वाकई आपके बच्चे के बॉडी में कुछ ऐसे रेडिएशंस बन रहे हैं या फिर कोई ऐसी जादुई शक्ति है? नहीं, देखिए, जादुई शक्ति जैसी चीज तो मैं नहीं कहूंगा, और राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये चीजें रिमोटिंग प्रोसेस से संभव हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस इंसान को मेरा बेटा जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है, या उससे कभी मिला भी नहीं है, या उसका फोन उसने कभी छुआ भी नहीं है, एक अनजान पर्सन का अगर फोन मेरा बेटा 10 से 20 मिनट या आधा घंटा एक घंटा अपने पास रख लेता है तो उसका फोन रिसेट हो जाता है। ये चीजें हमारे सामने हुई है, हालांकि मेरे पास इस समय सबूत नहीं है इस चीज का जिसका मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन इसके वीडियोस कुछ है मेरे पास, जो आप कहें तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। और डॉक्टर वसुधा जी ने भी जी एक आखिरी सवाल गौरव जी, आपने जिस तरीके से अभी बताया कि आपने अपने बच्चे पे गौर भी किया है और किसी के मान लीजिए किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं भी, अगर उनका फोन भी वो पकड़ता है तो ऐसे में डेटा इरेज हो जाता है, क्या ये तमाम फोन्स पहले से लॉक्ड होते हैं इसके बावजूद डेटा इरेज हो जाता है या फिर सारे अनलॉक्ड फोन्स होते हैं? नहीं, देखिए, इसमें चाहे फोन लॉक हो, चाहे उसमें फेस लॉक लगा हो, चाहे उसमें फिंगर लॉक लगा हो, चाहे उसमें थंब इंप्रेशन हो, कुछ भी हो, लॉक कोई भी हो, लॉक से मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये चीजें सुनते ही गलत सिरे से आ रही हैं, क्योंकि मेरा ये कहना है, मैं डाटा पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मेरा बेटा डाटा इरेज करता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे बेटे की वजह से फोन फैक्ट्री रिसेट होते हैं, और ये सेकेंडरी मैटर है कि फैक्ट्री। लेकिन गौरव जी, सवाल, क्योंकि ये सवाल बेहद अहम हो जाता है, क्या अस्तित्व के हाथ में जब फोन होता है क्या वो फोन लॉक्ड रहता है या फिर फोन अनलॉक करके उसके हाथों में दिया जाता है? दोनों ही पोजीशन में ये होता है, दोनों पोजीशन में। ठीक है राहुल जी, एक आखिरी सवाल के जवाब में आपसे भी चाहूंगी, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैंने जैसे मेरे पास फोन कोई भी लॉक्ड हो, मैंने यही बात की लॉक्ड फोन को भी रिसेट करना, चाहे वो लॉक्ड कंडीशन हो या अनलॉक्ड हो, रिसेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेट तो आसानी से किया जा सकता है, कुछ की कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए कि पावर के साथ वॉल्यूम है, किसी फोन में होता है पावर के साथ वॉल्यूम डाउन बटन दबाना होता है, स्विच ऑफ करने के बाद जैसे ऑप्शन आप डालने, आप बूट सेटिंग्स खुल जाएगी, वहां पे ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा। बट देखने वाली बात ये, ऐसा आप कह रहे थे कि लेने से ऐसा हो जाएगा, मैं इस बात से, मान लीजिए आप मुझे कोई भी वही काम मैं करके दिखा सकता हूँ और फिर ऐसा परसेप्शन फोन में भी फोन आता है वो फैक्ट्री रिसेट। गौरव अग्रवाल जी, राहुल, आप तीनों का बहुत लेना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह हम साइबर एक्सपर्ट को भी, हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई रेडिएशन बनते जिस वजह से किसी भी टेक्निक में जैसे कि लैपटॉप हो, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन हो, इस तरीके से डेटा इरेज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वहीं साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि एक तरीके से डेटा इरेज के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, हो सकता है अस्तित्व एक साथ हो, लेकिन उनके पिता का मानना है कि ऐसा कुछ रेडिएशन